मैं हर बार कोल जाती सर ऐत की बार याद रखिया चलो ये अमानत ये आपकी बेटी के लिए उन्होंने पलवशा की बेटी के नाम का रखा हुआ था बंद करो बंद करो इन फड़ी तो मैं चुक खतरों के खिलाड़ी सारे पहले ही भन दे घर को अल्लाह हाफिज अल्लाह इस घर का हाय हाय की होया ही हैं आओ जा के ला ली फिर हैं जा के ला ली कुछ नहीं इंसुलिन लांदी पई है मॉनिटर करती है अपने फोन से मैसेज आया पहला खानेवाल टूल प्लाजा पे पहुंचे हम किस चीज का जूस है ये एप्पल ये देखिए एक ये रूम है परसों मैं जाना है परसों मेरी फ्लाइट है परसों मेरी फ्लाइट है जाना अज हो जाते हैं जब पता चले ना जाने उदास हो जाते हैं कोई नहीं हस्ती है सेठ ही हैं मैं तो रोमा हस्ती ही हैं मैं तो रोमा हस्ती ही हैं मैं नहीं मुल्तान जाना मैं ठीक आ रही हूँ ना नहीं नहीं तार टेस्ट होने तार डॉक्टर ने वो खाना है ना उसे डॉक्टर ने वो खाना है उसे केडर उसे बड़े डॉक्टर कहोगे सारिया एक बारी टुर गई ने फिर आप दूसरे दिन फोन करके कदों आना वापस इसलिए अलग अलग जाएंगे देखिए जी सब पैकिंग हो रही है जाने के लिए मुल्तान और यहाँ पे सना ने बनाए हैं पराठे और ऑमलेट बाकी तो हर किसी ने नहीं करना नाश्ता तो बस अभी रेडी होंगे थोड़ी देर में पैकिंग वगैरह सारी अपनी दोबारा से चेक करती हूँ कैसे है सामान अबू जी को तैयार करवा रहे हैं साथ मान नहीं रहे जाने के लिए पर देखें वो देखें रोमा अबू ने शेव करवाती पई है पीछे पई है अबू दे शेव करो ये देखें जी अबू जी को शेव करवा रही है पीछे पैक ये देखें जी मछली भाईजान को पैक हो चुकी है ये भाईजान का सामान और ऐवे मेरे को तो कंडिया की वजह तो नहीं खाया ऐवे कंडे ऐखो खाए कि बंदा हूँ साफ शाप च पा गया मैं तो कल खाता ही नहीं गर्म करो इसको जो उसने कोरमा बनाया था इतना पानी पाओ कोरमा को गर्म करो जरा मैंने तो कल खाए नहीं था बस हूँ वेख के भुख लग गई है ना सारे नू कुर्सी तो मेनू नसीब ही नहीं होंगी किधरे हाँ तो मैं खिलो के ही खानी है खाना वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना बस मैं किसी को नहीं ना उठाती जो बैठा होता है अब्बू जी कर रहे हैं नाश्ता हाँ जी मुल्तान जाने की हो रही है तैयारी मैंने पूछते पहले किधर है तेरी फ्लाइट किधर तो पहला गिलास रख
अमानत ये आपकी बेटी के लिए। उन्होंने कहा था पलवशाह को ये देना है आपने, तो ये आपकी अमानत थी मेरे पास। वाह, ये अम्मी जी का लॉकेट, अम्मी जी का लॉकेट है, देखें। उन्होंने पलवशाह की बेटी के नाम का रखा हुआ था। तो ये मैं हर दफ़ा भूल जाती थी, इस दफ़ा मैंने कहा मैं याद रखूँ, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, तो इनकी चीज़ मैं इनके हवाले करूँ। ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये हमारी अम्मी ने सिर्फ एक दफ़ा पहना हुआ है, वो भी उनको मैंने पहनाया था। उसके बाद जब उन्होंने उतारा तो उन्होंने कहा कि ये ना पलवशाह की बेटी के लिए मैंने रखना है, तो अगर मैं मेरी ज़िंदगी में हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे बाद उसके हवाले कर देना। हाँ जी, देखिए अम्मी जी का चीज़ें रह जाती इंसान बहुत सोना माशा दूसरी बारी तू पाया, तो पहली बारी अम्मी ने पाया। अल्लाह पाक नू तो तेरी बेटी नू पाई पाना हंडाना नसीब करे। आमीन आमीन। ये अम्मी जी की आखिरी निशानी थी जी जो पड़ी हुई थी। बंद करो बंद करो इन ओए होए होए नहीं है हुन मेरे को चल खला चुको हां जरा हुन लेठा बहाद आए वजन बड़ा हो जाना है। हां नहीं हमें रामा अली ना चुके अली ना चुके छोड़ दो हमारे आते डाटा इनु कंटा बाद मुड़ के दर्द निकला तो अली ना इधर मेरे वाले पास कर करना पैना एडी उची बोल उदास उदास लग रहा है ऑलरेडी। अबू जी बैठे हुए हैं, अबू जी समझ नहीं आंदी पई है किथे चलिया ने, तो बस अल्लाह अबू जी को सलामत रखे। मास्क भी लगा के जाने हैं। ये देखें जी सामान जा रहे हैं हम। ये चार्जर था, मैंने कहा ये रख लूं। अपने वेले दे कबड्डी दा प्लेयर हां साडी भी होई खलोती है। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੈਦੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ ਬਸ ਬਸ ਮਦਰ ਆ ਜਿਓ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਆ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਬਸ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾਦੀ ਚਲੋ मैं तो ठहर मैं अपना मेरा पूरा
चले जी रियाज को भी मिलने, रियाज का मुंह फिर मैं छुपा दूंगी। चलो घर को अल्लाह हाफिज, अल्लाह इस घर का। अब्बू जी बैठ गए हैं। चलो अच्छा जी खुदा हाफिज़ हाफिज़ हाफिज़। चल तू इधर बैठ जा, मैं दरवाजा खोल दे। चल चली जाए, चलो इन्होंने बहुत तंग किया। चल चलो जी। लेना की शुगर बहुत हाई निकल आई है, जल्दी जल्दी इंसुलिन ला। ये देखें ये हाल है, ऐसे आना पड़ता है बाहर, इसको दवाइयां साथ लेके। ये देख ये बैच, हाय हाय की होया ही हैं। आओ जाके ला ली फिर हैं, मैं लावा ओ वे किड्डी वड्डी हैं। चल चल ना जाके ला ले, कुछ नहीं इंसुलिन लांदी पई है। हाँ गड्डी रोको जरा, चलेगी चलेगी मेरी ना, शुगर हाई हो गई इन्नी बैठिया बैठिया ही। चल ये जो पैच लगा हुआ है ना, ये इसका हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है, ये मॉनिटर करती है अपने फोन से। पहले मुझे। हाँ फोन पे अपने इसका ये लगाती है, उसके ऊपर फोन को टच करती है तो इसकी शुगर जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो बस हाँ जी हाँ जी, एक और लान लगी, दो लानिया ने ओए होए होए। देखें जरा, चल चेक कर। हाँ देखें जी, बस इसकी सेहत की दुआ करें, बड़ी टेंशन होती है फिर बाहर कहीं निकलें या ऐसे हो जाए तो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं सब। वहाँ मैसेज आया मेरे मोबाइल पे। अच्छा शुगर लै, शुगर सुबह इंसुलिन नहीं सुनो लाई तो शुगर हूँ इन्नी हाई निकली है। दो कट्टियां लाइया ने हुण, हो जाएगी ठीक हो जाएगी। हम मुल्तान पहुंच गए हैं और बस अभी जा रहे हैं होटल की तरफ। हमारी बुकिंग है, बस पासपोर्ट होंगे तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो वो किसी को स्टे नहीं। इन्होंने कहा कि यहाँ टीम ठहरी भी है, इस वजह से बड़ी सिक्योरिटी टाइट है इस वक्त। तो ये रहे पासपोर्ट का चल रहा, वो देखो पाकिस्तान और इंग्लैंड के फ्लैग्स भी ये लगे। चलो पैर रख लो, चलो शुक्रिया ओ पैसे। चलो
थक चुके हैं। सिक्योरिटी की वजह से हमें पीछे से आना पड़ा है, फ्रंट डोर जो है वो बस बंद की हुई थी। मुल्तान च आई सी क्रिकेट टीम ते पूरे मुल्तान नु वखत पाया सी, रस्ते बंद, असी भी बड़ा पुठे सीधे रस्तियां तो होके पहुंचे होटल तक। फिर ये पासपोर्ट दिए हमने, अभी स्कैन करेंगे। अभी हम पहुंच गए होटल में, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे बाहर। लेकिन थक गए हम भी बेचारे, हैं अब पानी होने का, थक गए पानी भाई पानी देने वाला। किस चीज का जूस है ये? एप्पल का। पासपोर्ट चाहिए जी। मैं उसमें ही रखा हूँ अपनी फाइल में। दो रूम है ना, आप और दुबई से रूम है, ऐसा कर लेंगे। बाहर का व्यू देखें मुल्तान का, ये है व्यू। लेकिन हमें कहा हमें एक ही रूम, तू अपना बुन आ जाओ, एक ही रूम दें हमें कि हम एक ही रूम में रहें सारे। चेक कर आहो, पीछे च भी तो एक ही सी रूम बाथरूम। ये देखें जी अपने रूम में हम आ गए हैं, बैठे हुए हैं। देखिए इनका बाथरूम कितना जबरदस्त है, पीसी से बाथरूम ऐसे बहुत जबरदस्त है इनका, पीसी के मुकाबले। नहीं वो वाला रूम भी बड़ा प्यारा है, वो देखें। हम्म, वो वाला रूम। हाँ जी, ये रूम है एक ये रूम है इनका, और एक जो है वो ये रूम है। ये देखिए एक ये रूम है। पहले उन्होंने हमें दो रूम दिए थे, लेकिन वो फिर हम सेपरेट सेपरेट हो जाते, असी क्या नहीं सानू तुसी एक ही दवो। ये देखिए तुसी सानू एक ही रहने वास्ते कमरा, ना जबरदस्त है। हर जगह की अपनी खूबसूरती।